अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। अगर असली विजय मिल जाए तो इस बेचारे को छोड़ देना, इसे पुलिस के हवाले मत करना। ओके। हसरत है तुझ पे, मैं मरती रहूं, सारी उम्र इश्क करती रहूं, सपनों की दुनिया में खो जाऊं मैं, सीने पे सर रख के सो जाऊं मैं। दोस्तों, आज जिस हीरोइन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत पढ़ी लिखी हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये खूबसूरत हीरोइन अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंस गई और अपना करियर बर्बाद कर दिया। और वो है वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल मोनिका पेरी। मैं तो सिर्फ इतना समझती हूँ कि तूने मुझे यहाँ भेजकर कोई बड़ा काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मैं काजल ही रही। लेकिन तू राजकुमार नहीं रहा। ये धड़कन मेरी जवां है, सांसों में बस जा तू मेरी, दिल में उठा तू बाहें। 18 जनवरी 1975 में मोनिका पैदा हुई थी होशियारपुर में एक पंजाबी फैमिली में। उनके पिता का नाम है डॉक्टर प्रेम कुमार बेदी और वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। उनकी माँ का नाम है शकुंतला बेदी और वो एक हाउसवाइफ है। मोनिका के एक भाई भी हैं और उनका नाम है बॉबी बेदी। दोस्तों, मोनिका जब बहुत छोटी थी, तकरीबन 2.5-3 साल की, तब उनका पूरा परिवार होशियारपुर से नॉर्वे शिफ्ट हो गया और मोनिका ने अपनी स्कूलिंग भी नॉर्वे में की और उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री भी हासिल की। मोनिका को एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था, अलबत्ता मोनिका को डांस करने का बहुत शौक था और वो खास नॉर्वे से मुंबई आई डांस सीखने के लिए। जी हाँ, क्लासिकल डांस, और मशहूर डांस गुरु गोपी कृष्ण की डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली। उसी दौरान मोनिका को मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर मनोज कुमार ने गोपी कृष्ण के यहाँ देखा डांस करते हुए। वो बहुत इंप्रेस हो गए और उन्होंने मोनिका को एक फिल्म ऑफर कर दी अपने बेटे कुणाल गोस्वामी के ऑपोजिट। वो फिल्म का नाम था कीर्तिमान और वो प्लान हो रही थी 1992 में। लेकिन दोस्तों, मनोज कुमार ने मोनिका के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया था। इसका मतलब ये है कि 3 साल तक मोनिका किसी भार के प्रोडक्शन हाउस की फिल्म साइन नहीं करेंगी। वक्त बीतता जा रहा था, उसी दौरान मोनिका को दूसरी फिल्मों की ऑफर्स आ रही थी, लेकिन मनोज साहब के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो फिल्में साइन नहीं कर पा रही थी। और दूसरी तरफ कीर्तिमान यानी उनकी होम प्रोडक्शन शुरू नहीं हो रही थी, इसलिए मोनिका ने मनोज कुमार से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दीजिए। वो कहती हैं कि उन्होंने मेरी सिचुएशन को समझा और फौरन मुझे अपने कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज कर दिया। और जैसे ही मोनिका इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज हुई, वैसे ही साउथ के मशहूर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर डी रामा नायडू ने मोनिका को एक तेलुगु फिल्म ऑफर कर दी। फिल्म का नाम था ताजमहल, जो आई थी 1995 में। 420 है ना? नहीं 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 बाबा, आप नहीं, कमरा नंबर 420। दोस्तों, ताजमहल सुपर हिट हो गई और मोनिका ने कई साउथ की फिल्में और साथ ही साथ हिंदी फिल्में साइन कर ली। और मोनिका की पहली हिंदी फिल्म का नाम था सुरक्षा, जो आई थी 1995 में, और उस फिल्म में मोनिका के ऑपोजिट थे नवाब सैफ अली खान। तुम और विजय, आई डोंट बिलीव यू। क्या सबूत है कि तुम विजय हो? सबूत? सबूत तुम्हारा ये हाथ है जो बचपन में मेरे कारण जल गया था। ये तो तुमने उस दिन सुन लिया था जिस दिन मामा जी से फोन पे बात कर रहे थे। दोस्तों, मोनिका बेदी का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और ना ही उनका कोई गॉडफादर था जो उन्हें गाइड कर सके, इसलिए मोनिका ने जो भी फिल्म में आई वो साइन कर ली, ये देखे बगैर कि वो फिल्म बड़ी है या छोटी।
और वो फिल्में थी आशिक मस्ताने, खिलौना, एक फूल तीन कांटे और तिरछी टोपी वाले। I'm really very sorry. मैंने आप जैसे सही इंसान को कितना गलत समझा। Anyway, you know, आपने मुझे बहुत 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 इंप्रेस कर दिया है। दोस्तों, ये फिल्में ज्यादा कामयाब नहीं रही और मोनिका फिल्मों के साथ साथ स्टेज शोज भी करने लगी, हिंदुस्तान में और अब्रॉड में। ऐसे ही एक शो के दौरान मोनिका की मुलाकात हुई अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सालिम से दुबई में। दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। उन दिनों अबू सलीम का बहुत बोलबाला था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, इसलिए वो मोनिका को बड़े बड़े बैनर्स में रिकमेंड करने लगे और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स मजबूरन मोनिका को फिल्मों में कास्ट करने लगे। और वो फिल्में थी प्यार इश्क और मोहब्बत, ताड़ा और जोड़ी नंबर वन। जय, जय, यहीं खड़ी रहो। पापा जय को रोक लो, पापा, पापा प्लीज। पापा अगर उसे चोरी ही करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता। अगर आपने उसे बाप का प्यार दिया है तो उसने भी बेटे होने का फर्ज निभाया है। प्लीज पापा। वक्त के साथ साथ मोनिका का और अबू सलीम का प्यार बढ़ता गया और मोनिका ने यह फैसला कर लिया कि अब वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देंगी और अपना घर अबू सलीम के साथ बसा लेंगी। इसलिए दोनों पोर्चुगल चले गए, लेकिन जुर्म के काले सायों ने अबू सलीम का पीछा नहीं छोड़ा और अबू सलीम और मोनिका दोनों पोर्चुगल में अरेस्ट हो गए 2002 में। 2.5 साल बाद दोनों को इंडिया वापस लाया गया। अबू सलीम को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा हो गई और मोनिका को भी जेल जाना पड़ा। कुछ अरसे बाद मोनिका को जेल से रिलीज कर दिया गया। जेल से आने के बाद मोनिका दोबारा फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन अफसोस उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था क्योंकि सब उनके बैकग्राउंड से डरते थे। लेकिन 2008 में उन्हें एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का कि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई कनेक्शन नहीं है। वो अब एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती हैं और फिल्मों में काम करना चाहती हैं। उन्हें रियलिटी शो बिग बॉस की तरफ से ऑफर आया था और मोनिका ने उस ऑफर का फायदा उठाया और बिग बॉस हाउस में वो चली गई। बिग बॉस के बाद मोनिका ने एक और रियलिटी शो में पार्ट लिया 2009 में और उस रियलिटी शो का नाम था झलक दिखला जा। इन शोज में पार्टिसिपेट करने के बाद भी मोनिका को फिल्मों में काम नहीं मिला। दोस्तों, जुर्म का काला धब्बा एक बार लग जाए तो आसानी से मिटता नहीं है। मोनिका को आज भी फिल्मों में अच्छे रोल्स का इंतजार है। वो कहती हैं कि मैंने अपनी गलती की सजा भुगत ली है और अब मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूं। सही कहा मोनिका, जिंदगी में हर एक गलती एक नई सीख देके जाती है। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।